विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में सभी कर्मचारी संघ सरकार से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वही मध्य प्रदेश की अगर देखिए बात करें तो पटवारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का भी फैसला कर लिया है, और यही वजह है कि दो दिन से पटवारी जो है धरने पर बैठे हुए हैं और आज उनके हड़ताल का ये दूसरा दिन है। और इसी के साथ पटवारियों ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो 26 अगस्त को एक बड़ी रैली करेंगे और इस मुख्यमंत्री निवास तक वो रैली निकालेंगे, मुख्यमंत्री निवास का भी वो घेराव करेंगे। पटवारियों का कहना है कि उनको 1998 को निर्धारित वेतनमान 2023 में दिया जा रहा है, बीते 25 सालों से उनके वेतनमान में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, जिससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में हड़तालों की बाढ़ सी नजर आ रही, हर तरफ हर वर्ग जो है हड़ताल कर रहा है। वही सरकारी कर्मचारी भी मोर्चा खोल दिए हैं, तो वही संविदा कर्मचारी जो है वो भी सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। सरकार एक हाथ से सौगातें बांट रही है तो वही हड़तालों के मौसम में दूसरा हाथ सरकार के माथे पर है। कैसे सरकार नाराज वर्गों को मनाएगी, क्या ये नाराजगी जो है सरकार के लिए मुसीबत बन सकती है, इन्हीं सवालों पर हमने एक रिपोर्ट तैयार किया है, आप ये रिपोर्ट देखिए। कमलनाथ की सरकार ने चुनावी साल में एक तरफ जहां सरकार लगातार कर्मचारियों को सौगातें दे रही है, वहीं कर्मचारी भी इस चुनावी मौके को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। पिछले 4 साल में जितने प्रदर्शन नहीं हुए उतने प्रदर्शन पिछले 4 महीने में कर्मचारियों ने कर डाले। ये कर्मचारी संगठन सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़कों पर है। हालांकि सरकार हर तरफ से कर्मचारियों पर सौगातों की बरसात करने में लगी हुई है। सरकार संविदा कल्चर को भी खत्म करने का वादा कर चुकी है, लेकिन अभी भी कई विभागों के कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। आइए पहले देखते हैं किस किस ने विरोध का झंडा बुलंद कर रखा है। 20 साल की नौकरी हो गई, 20,000 पेमेंट हमारी नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, सभी बहनों की मैं आंसू नहीं देख सकता, तो स्थायी गर्मी बहनों की दया क्यों नहीं जान रहा है? साफ है हर तरफ विरोध है, लेकिन सवाल यह है कि इन लोगों की नाराजगी आखिर है क्यों और ये संगठन क्या मांग कर रहे हैं? हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन संगठनों के लिए कई घोषणाएं भी की हैं और कई सौगातें भी दी। लगातार सरकार कर्मचारियों से लेकर पेंशनर्स पर मेहरबानी दिखाने में लगी है। मैं यही कह रहा हूं कि काम करेंगे, मेहनत से करेंगे, ड्यूटी पूरी करेंगे, ये रिन्यूअल का चक्कर समाप्त होना चाहिए ताकि निश्चिंता से काम कर सके। जब सर्विस ज्वाइन की तब जवान थे, अब कई की हालत हो गई कि 20-25 साल हो गए, उनके बेटा बेटी बड़े हो गए और हर साल जब उनको ये लगता है कि पता नहीं इस साल रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा तो जिंदगी कठिन हो जाती है। मैं आप सबसे ये भी कह रहा हूं कि पिछली बार जो बात हुई थी वो 90% की हुई थी, अब 90% नहीं 100% मान के कैलकुलेशन सारा किया जाएगा। हालांकि इन मामलों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर कर्मचारियों की मांग को लेकर हमलावर हैं। जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार में हमेशा से कर्मचारी आंदोलन पर रहे हैं। तो पहले से कहते आए कि कांग्रेस का कथनी और है, करनी और है, मुंह में राम बगल में छुरी। देखिए आज हर वर्ग मध्य प्रदेश का पिछले कुछ सालों से आंदोलन से जब से बीजेपी की सरकार दोबारा आई है, इससे पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी तो हर वर्ग आंदोलित था, कभी संविदा कर्मी जो है आंदोलित हैं तो कभी दूसरा वर्ग जो है वो आंदोलित है। हर एक व्यक्ति परेशान है मध्य प्रदेश की सरकार से और ये बताता है कि मध्य प्रदेश की सरकार को कोई चिंता नहीं है। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक बात पर जोर दिया था कि संवाद होना चाहिए। सरकार चुनावी साल में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की हड़ताल सरकार की चिंता भी बढ़ा रही है। अब देखना यह है कि सरकार कैसे इन नाराज संगठनों को मनाती है।